जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यहां जली कार में युवक की लाश बरामद हुई है। पुलिस विभाग से रिटायर हवलदार की कार में लाश मिली है। कार में आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। माना थाना पुलिस ने हालांकि जांच जरूर शुरू कर दी है। धनेली के पास जली हुई कार मिली और कार के अंदर बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग से रिटायर हवलदार की लाश भी बरामद की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जांच की जा रही है। धनेली इलाके में आप देखिए किस तरह से ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और इसी कार के अंदर बताया जा रहा है कि जो रिटायर हवलदार है उनकी भी लाश बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां जली कार में मिली युवक की लाश। पुलिस विभाग से रिटायर हवलदार की कार में लाश मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां कार में आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। और आपको बता दें कि माना थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कोई अपडेट इस पर सामने नहीं आया। धनेली के पास जली हुई कार मिली है जिसमें युवक की लाश मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस विभाग से रिटायर हवलदार है जिसकी लाश मिली है इसे जली हुई कार में, और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, माना थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और धनेली के पास जली हुई कार मिली है जिसमें युवक की लाश मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीर आप देख सकते हैं कार की क्या हालत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं जली हुई कार है जिसमें युवक की लाश मिली है। आसपास दहशत का माहौल है लोगों में और जांच पड़ताल की जा रही है। तो रिटायर हवलदार है जिसकी कार में लाश मिली है और सनसनी फैल गई है इस पूरे मामले से। कार में आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और लगातार जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर अब आगे की जा रही है। तो माना थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे पर सामने आते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कार की क्या स्थिति है। इन तस्वीरों से साफ समझ में आ रहा है बड़ी खबर इस वक्त की, जली कार में युवक की लाश मिली है। फिलहाल कोई भी खुलासे इस पूरे मामले पर अब तक नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लगातार जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे, आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है, कोई कारण सामने आया अब तक और क्या कुछ अपडेट है? पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अभी प्रारंभिक तौर पे ये बोल रही है कि ये जो है दीवार से टकराई है, जो पुलिया के नीचे जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि वो पुलिया के नीचे जो दीवार है 4 फीट की, वो उससे टकराई है और टकराने के बाद ये इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका ज्यादा नजर आ रही है अभी फिलहाल। अभी हालांकि पूरी तरह से मामला जो है संदिग्ध नजर आ रहा है, लेकिन ये जो अंदर जब सुबह हुई और जो लोग काम पे निकले हैं तो वहां पे ये देखा कि जली हुई कार पड़ी हुई है पुलिया के नीचे, तो उसमें जाके देखा और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये बात सामने आई कि ये गाड़ी नंबर है, कि ये गाड़ी नंबर के आधार पर CG04ML9966 इसके आधार पर जब पतासाजी की गई तो ये बात सामने आई कि कोई चंद्रशेखर सिंह है जो पुलिस से रिटायर्ड है और 55 वर्षीय है, सदानी दरबार तरफ रहते हैं और ये देवपुरी में इनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। तो वो वहां से जाते हुए जा रहे थे अपने घर रात में, तब ये हादसा होने की आशंका है। अभी फिलहाल माना थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और अभी उसकी पूरी पतासाजी कर रही है वहां पे कि क्या कारण इसमें सामने आया है। लेकिन एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर में ये आई है माना इलाके में कि एक जो धनेली धुसेरा मार्ग है वहां पे एक सेलेरियो कार ये जली है जिसमें एक जो रिटायर हवलदार है पुलिस के चंद्रशेखर सिंह, इनकी जलने से मौत हो गई है। जी बिल्कुल, तैसे नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।